सबसे पहले तो मोहसिन साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। तो तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं ये, देख मोहसिन साहब नाम नोट करेंगे। थोड़ा सा पहले आपको ना आपका जो वो इंजीनियर वाला हॉल है ना उससे बाहर निकालना पड़ेगा वरना ट्रेनिंग की समझ नहीं आएगी। उसके लिए आप एक फेवर दे सर, फोन दे, इस पे मैं टाइमर लगा रहा हूँ सर, आपने 10 सेकंड तक लाफ करना है सब ने, ठीक है? और कोशिश करें साथ काउंटिंग भी करें नंबर ऑफ क्लैप। चले 1 2 3 जी सर। मोहसिन साहब कितनी दफा क्लैप किए? मैंने सर 20 दफा। 20 दफा से ज्यादा किसी ने किया? 24 जी। 27 से ज्यादा? 32 से ज्यादा। अभी हम कराएंगे जो सबसे हाईएस्ट होगा यहाँ पे खड़े होके वो क्लैप करेंगे, हम काउंट करेंगे 32। चलो मान लेते हैं इन्होंने वाकई किया 32, ठीक है। और इस चीज को मैं एक्चुअली बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग इसमें लर्निंग है, हम एक दफा दोबारा 10 सेकंड के लिए क्लैप करेंगे, लेकिन हर शख्स पहले नंबर पे 32 का रिकॉर्ड तोड़े, सेकंड नंबर पे कोशिश करे कि वो 10 सेकंड में हाईएस्ट पोटेंशियल अपना यूटिलाइज करते हुए कितना ऊपर जा सकता है, 50 60 70 व्हाटएवर, वो रिकॉर्ड क्लाइम करने की कोशिश। पहले इनका रिकॉर्ड तोड़ना, फिर हाईएस्ट रिकॉर्ड क्लाइम करना है, हम सब मिलकर देखते हैं कौन ज्यादा करता है, ठीक है? और काउंट करना है आपने अपनी क्लास में 1 2 3 जब हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमने K2 पे जाना है या हमने 5000 रुपए ये चीज करनी है या मैंने इतने सेकंड में ये सफर तय करना है, मतलब मोटरवे से लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए बाद 5 घंटे में जाते हैं, बाद 4 में, बाद 3 में, बाद 2.5-3 घंटे। तो जब सेट कर लेते हैं, जब हम सेट कर लेते हैं अपना कि हमने ये मेंटेनेंस कम से कम टाइम में करनी है और वो टाइम ये है, तो हम अचीव भी कर लेते हैं। जब तक हम अपना टारगेट सेट नहीं करते हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाने का किसी काम में भी, हम अंडर यूटिलाइज रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या क्या है? जो लैटिट्यूड, हाँ ट्रेनिंग हो रही है चल ठीक है, दो बातें सीख लेंगे, जरूरत पड़ी तो अप्लाई कर लेंगे, ना पड़ी तो रहने देंगे, ये कह देंगे हम आरकेबी की ट्रेनिंग ली है, एसके वाले आएंगे उनको कहेंगे हमने आरकेबी से ट्रेनिंग ली, आरकेबी वाले कहेंगे हमने एसके से ट्रेनिंग ली है। सो मकसद क्या है कि हम पहले नंबर पे अपना एटीट्यूड तब्दील करें और एटीट्यूड सीरियस एटीट्यूड में कन्वर्ट करें। जिस जगह बैठे हुए जो काम कर रहे हैं उस पे अगर हम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं दे दे, इसका मतलब है आउटपुट आपकी पूरी नहीं आएगी। ऐसा है या नहीं? 52 से ज्यादा किसने क्लैप किया? कितना? 57 से ज्यादा? 61 से ज्यादा? 65 से ज्यादा? 75। हम 32 को कह रहे थे कि 32 है, 75 आने में 80 80 80। आपने इधर आए, इधर आए, आज आज इधर आए। यहाँ पे इधर आए। अच्छा, सारे लोग आप इनके हाथ पे नजर रख के काउंट करेंगे नंबर ऑफ क्लैप्स इनकी, और ये क्लैप करेंगे 10 सेकंड के लिए। चले 1 2 3 जी सर। मैंने काउंटिंग कितनी दफा? 26। गलत काउंटिंग सही नहीं, वाइब्रेशन एनालिसिस क्राइम का कंडीशन मॉनिटरिंग भी। तो मकसद क्या है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करना है
अभी मैं इसको एक दफा इसको थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पुश करते हैं, अगर आप सब खड़े हो पहले हम अपने पेनिंग तो सही करें फिर मशीन क्या करेंगे। प्लीज सिट डाउन। पहला शख्स जब बैठा और आखिरी शख्स जब बैठे तो उसमें टोटल 7 सेकंड का टाइम लगा, 6 कर 5 कर। हम सारों के लिए इंस्ट्रक्शन क्या थी, प्लीज सिट डाउन। सबको एट द सेम टाइम सुनाई दी या किसी को 5 सेकंड बाद समझे, सबको एक टाइम सुनाई। क्या हम सारे बैठने का जो प्रोसेस है ये 5 सेकंड से 1 सेकंड पे ला सकते हैं? बैठने में कितना टाइम लगता है सर? 1 सेकंड काफी है अगर कमर दर्द ना हो, 1 सेकंड। तो सर दोबारा खड़े होते हैं और अगर आप एग्री करें पहले नंबर पे, एग्री करें कि हम सारे पहला और आखिरी शख्स सारे 1 सेकंड में बैठ जाए, क्या ट्राई करें? यस जी आगे सर खड़े। इसका मतलब क्या है कि द मोमेंट यू सेट टारगेट फॉर योरसेल्फ यू आर मोर डेस्टिन्ड टू अचीव। आप इंस्टेंट ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इंस्टॉल करते हो, फोकस्ड होते हो, आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है और आपको अपने रिजल्ट पे नजर होती है, टारगेट पे नजर होती है, आप कैसे ये करना है। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स कहते हैं आपको कि ये काम आपने करना है 2 घंटे में करना है, आपके तो नहीं हो सकता, उनको पता होता है। मैनेजमेंट आपको क्या कहती है? प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 7-8 टन पर डे मिसाल के तौर पर, इसको हमने 7.5-8 पे लेके जाने, आपके तो नहीं हो सकता, आप पेरेंट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, प्लान बनाते हो, टीम को ऑन बोर्ड लेते हो, सबको कहते हो नहीं भाई 5 सेकंड वाला काम 1 सेकंड में करना है, टारगेट है ये। और जब आप ये सोचते हो, ये करते हो, तो उसके बाद आप प्रोडक्शन टारगेट, मेंटेनेंस टारगेट, ऑपरेशनल टारगेट, कॉस्ट टारगेट आप अचीव कर लेते। इसी तरह आपने बेरिंग को भी देखना है। अगर आप चाहते हो सही मानो में कि आपकी फैक्ट्री में बेरिंग के मसले मसाइल कम हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपका नॉलेज लेवल ऊपर जाए, स्किल लेवल एनहांस हो, तो आपने इसको भी सीरियस ले। तो शाफ्ट अगर हम सही बनाएंगे तो उसमें जो मर्जी बेरिंग लगाओ वो अच्छा चलेगा, हाउसिंग अगर सही बनाएंगे उसका टॉलरेंस सेट करेंगे तो उसमें जो मर्जी बेरिंग लगाएं वो अच्छा चलेगा, लुब्रिकेट सही करेंगे। अच्छा सर मैं स्टार्टिंग में एक सवाल के तौर पे ना एक बेरिंग का नंबर यहां लिख रहा हूं, उसका नंबर है 6208। ये इसलिए कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले सारे इससे अवेयर हैं कि ये बेरिंग मोटर में से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और मोटर में इस्तेमाल होने के साथ साथ स्मॉल साइज में आता है, इसकी यूटिलिटी ज्यादा, आप सारे से आगाह होंगे। अब ये बताएं कि 6208 बेरिंग जो है इसका बोर क्या होगा? 40। आपने यहाँ इस राइट कॉर्नर में मोटर मतलब उसी फॉन्ट साइज का लिखे 40। और आप दोस्तों में से मोहसिन साहब के अलावा बताएं कि 40 जब बेरिंग का पैकेट खोलेंगे आप किसी ब्रांड का भी पैकेट खोलेंगे तो उसमें 40 का साइज हम निकलेगा नॉमिनल साइज, लेकिन उसका एग्जैक्ट साइज क्या होगा? 40.000 लिखे 40.000। एक ये साइज होगा, एक और लिमिट होती है, दो लिमिट्स होती है मेंशन टॉलरेंस की, अपर एंड लोअर। तो दूसरी लिमिट क्या हो सकती है? 010 यानी कि 40.010 10 माइक्रोन प्लस में होगा। एग्री करते हैं? ट्रेनिंग इंजीनियर एग्री करते हैं? नो सर। तो क्या होना चाहिए? क्या कोई बात नहीं, इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने यहां से शुरू किया कि इसी के अंदर मैं आपका डेजिग्नेशन भी, फिट्स एंड टॉलरेंस भी और बेसिक नॉलेज भी इसमें इंक्लूड कर देता हूं। आप देखें कि 40.00 एक लिमिट मैंने बताई, दूसरी लिमिट इसकी इतना बताएं कि दूसरी प्लस में होगी या माइनस में? प्लस में अगर होगी आप समझ लें, बोर प्लस में होगा तो खुला होगा, टाइट होगा, खुला होगा तो शाफ्ट पे फिट होगा, लूज होगा, तो क्या करना है हमें? तो फिट करना है।
जिसका मतलब माइनस में होगा तो पकड़ आएगी शाफ्ट पे। तो ये 40.00 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, होगा 39.988। ये कितना माइनस जाएगा जी, बेरिंग बेरिंग के बोर की बात होगी, क्योंकि इसको समझना शाफ्ट को समझने से ज्यादा जरूरी है। फिर शाफ्ट पे आते हैं, तो ये साइलो ऊपर वाला तो उसके सामने लिखते हैं डैश डाल के जीरो। आपके हाथ से इसलिए करा रहा हूं आपको याद रहेगा, इनको बेशक भूल जाए। तो नीचे आप डैश डाल के लिखे माइनस बारह, नीचे माइनस बारह। तो इसका मतलब कि बेरिंग जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्शन फैसिलिटी में, तो आईएसओ ने हमें कहा है कि आप जीरो से माइनस बारह के दरमियान इस बेरिंग को मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर कोई बेरिंग मैन्युफैक्चर हुआ जो माइनस तेरह का बन गया तो वो क्या होगा, रिजेक्टेड, वो कंफर्म नहीं करेगा आईएसओ के स्टैंडर्ड को। और हम आपको अगर दे दे और आप यहाँ माउंटिंग के टाइम पे चेक करें और आप देखिए माइनस तेरह है, तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। दुनिया का कोई भी ब्रांड हो उसका बेरिंग अगर माइनस तेरह चौदह पंद्रह में आएगा, अपना माइक्रोमीटर चेक कर लें कि उसका लीड फॉर्म के हिसाब से 0.0 है या नहीं। और अगर वो इस साइज के रेंज से बाहर है या ऊपर है या नीचे है, तो आपने इस्तेमाल कभी भी नहीं करना उस पार्टी को। अगर हम नहीं बंद कर आपने उनका नहीं लोगे ले, और हम आपको कभी नहीं कहेंगे यार चला ले, ना वो तोड़ेगा आपकी मशीन, वो खराब करेगा। ये पहला क्वालिटी चेक है, ये कोई क्वालिटी चेक नहीं घुमा के देखना, हिला के देखना, आवाज सुनना कहीं फंसता तो नहीं है, शाइन बड़ी अच्छी है, कमाल जबरदस्त चेहरा नजर आ रहा है, ये सब फालतू चीजें। असल पहला क्वालिटी टेस्ट है डायमेंशनल एक्यूरेसी, डायमेंशनल टॉलरेंस एक्यूरेसी। तो ये हमने आपको खुद कहा कि हमारा हर बेरिंग जब आप खरीदेंगे तो आपने ये चेक करना है, और अगर इस रेंज में आए तो एक्सेप्टेबल। ये आपने जब आपके पास स्टोर में माल आता है उस वक्त नहीं करना, उस वक्त बेरिंग खोल देंगे बेरिंग खराब हो जाए। बेरिंग आपने सिर्फ उस टाइम चेक करना है जब बेरिंग यहाँ रेडी है, इधर शाफ्ट रेडी है, एंड यू आर गोइंग टू माउंट इट ऑन द शाफ्ट। तो जो स्टोर में आने के लिए एक्सेप्टेंस होती है ना, उसकी अंदर आप क्या चेक करेंगे, पैकिंग इंटैक्ट है, पॉलिथीन प्रॉपर बंद है, बेरिंग के ऊपर नंबर सही लिखा है, बॉक्स डैमेज नहीं है, बॉक्स के ऊपर नंबर सही लिखा हुआ है, ओरिजिनल सोर्स से आया है, पूछे किस से आया भी, वो कह जनाब एबीसी कंपनी से, चेक करें गूगल पे वो कंपनी है एक डिस्ट्रीब्यूटर उस ब्रांड की, जैसे आपके भी के डिस्ट्रीब्यूटर रिजल है, वो कहते हैं कि ये जन्म से आया है, तो आप चेक करें वो नहीं है, तो आप कहते हैं ये नहीं है, वो क्वालिटी टेस्ट है ना एक्सेप्टेंस का। फिर प्लस आप उसमें देखें कि उसके अंदर कोई ऐसा डैमेज तो नहीं है जैसे क्रैक्स हो, वो पॉलिथीन के अंदर से नजर आ जाता है, खोलना नहीं है, खोलेंगे हाथ लगाएंगे जंग लग जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा एंटी क्रोसिव ऑयल, और बेरिंग आपका एक महीने के अंदर अंदर क्रोल होके खराब हो जाएगा। तो ये तो बेरिंग हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ये है मोहसिन साहब कि आप अपनी टीम के साथ एक सिस्टम बनवाएं कि जब भी माउंटिंग होने लगे उस बेरिंग को ओपन करें, उसका साइज लें और नोट करें, और जो नोट करें पेपर पे रजिस्टर पे उसको वापस जाके कंप्यूटर में एक्सेल की शीट में डालें। उससे क्या होगा, दो माह तीन माह बाद जब वाल्टर आएगा मुझे बुलाएंगे, कोई और आएगा वो कहेंगे सर ये बेरिंग खराब हो गया, तो हम कहेंगे अच्छा वो साइज क्या था, आप कहेंगे हमें नहीं पता सर, सही था चेक किया था सही था, नहीं भाई ये नहीं मसला गलत और सही का, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ताकि मैं एक कैलकुलेशन कर सकूं। तो वो क्या होगा, वो आप अपनी सर्वर पे या अपनी शेयर फोल्डर में एक एक्सेल की शीट बनाएं, उसमें एरिया वाइज लिख दीजिए सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी लिखी होगी, उन एप्लीकेशन की कॉपी पेस्ट करें एक्सेल शीट, उसके अंदर बाकी सारा डाटा डिलीट करें, एरिया नेम, एप्लीकेशन नेम, उसका पॉइंट ऑफ बेरिंग जो है ड्राइव एंड नॉन ड्राइव वो लिखा हो, उसके आगे उसका बेरिंग नंबर हो, आगे उसके शाफ्ट साइज हो, आगे उसकी टॉलरेंस हो, और वो हर दफा जब भी चेंज हो आगे एड होती जाए। तो आपके पास चार दफा चेंज हुआ बेरिंग, चारों दफा की प्रॉब्लम्स पड़ी हो आज के बाद, तो ये है एक्चुअली एक सिस्टम जो आपको हेल्प करेगा कि कहां कहां शाफ्ट में मसले हैं। तो जब ये नोट कर लेंगे रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आप चेक करेंगे शाफ्ट यहाँ बनवाएंगे या बनी बनाई आई है उसको क्रॉस चेक करेंगे,
उसका साइज इसके नीचे लिखें 40.002 40.002। पहला साइज शाफ्ट का ये होगा जो आईएसओ कहता है, और दूसरा साइज होगा 40.013, 2 से 13 माइक्रोन के दरमियान साइज होना चाहिए। हम आएंगे माउंटिंग सुपरवियन के लिए, हम चेक करेंगे शाफ्ट, आपका साइज उसमें नहीं होगा हम आपको बेरिंग नहीं लगाने देंगे। जैसे पहले मैंने कहा हमारे बेरिंग का साइज उसमें नहीं होगा आप हमें बेरिंग नहीं लगाने देंगे, हम आपको शाफ्ट पे बेरिंग पे नहीं लगाने देंगे क्योंकि वो शाफ्ट हमारा बेरिंग तोड़ देंगे। दोनों का जस्टिफाई हो रहा है, सिर्फ एक पे नहीं समझा कि आप ऐसे करो हम चाहे जो मर्जी बेरिंग दे, नहीं हमारा बेरिंग क्रॉस चेक करें, दोनों चीजें क्रॉस चेक करें, दोनों चीजें क्रॉस चेक करके लोड करें, गोशी और शाफ्ट का डायरेक्ट। अब क्या होगा कि जब ये साइज कर लिया इसका टॉलरेंस आ गया 2 माइक्रोन, इसका आ गया 13 माइक्रोन, लेकिन 2 और 13 प्लस। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, क्यों मैंने ये दोनों डायमेंशन लिखवाई? अगर ये 0 की लाइन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, आपने शार्प नादी प्लस 13 माइक्रोन की, ये प्लस चला गया ऊपर 13, हमने बेरिंग दे दिया आपको -12 का, एक्सेप्टेबल रेंज है ना, तो ये -12, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 0.025 मिलीमीटर, ये इंटरफेरेंस आ गई, ये पकड़ ग्रिप आ गई, ये एक तरफ ऊपर चली गई एक नीचे आ गई, दोनों आपस में धनस गए, 25 माइक्रोन का थ्योरेटिकल इंटरफेरेंस क्रिएट हो गया। और अगर हमने बेरिंग दिया आपको 0 का, आपने शायद नहीं प्लस 2 की, ठीक है ये प्लस 2 इतना कर ले प्लस 2, और हम तो 0 पे खड़े हैं, तो अब कितना फासला हुआ 2 माइक्रोन, 2 प्लस 0 2, तो अब हल्की सी पकड़ है, कम पकड़ है, इसका मतलब जो इंटरफेरेंस है उसकी रेंज है 0.002 माइक्रोन मिलीमीटर से लेके और 25 मिली माइक्रोन तक के दरमियान पकड़ आएगी। अगर बेरिंग अपनी टॉलरेंस लिमिट में होगा और शाफ्ट अपनी टॉलरेंस लिमिट में होगी, अब आईएसओ कहता है कि ये थ्योरेटिकली तो सही अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा होता है, आप ऐसा करें 2 को कर ले 5 और इसको 25 को कर ले 22 और इसको नाम दे दिया प्रोबेबल इंटरफेरेंस के अंदर अंदर रहेंगे, तो वो कहता है कि आप पहला थ्योरेटिकल है जी, ये और ये प्रोबेबल हर बेरिंग की जो इंटरफेरेंस है उसको उन्होंने ऊपर नीचे करके, अब उन्होंने क्यों कहा कि इसको आप 2 को 5 कर लें, इसको 22 कर लें, वो कहते हैं आप अपनी शाफ्ट को एक्सट्रीम लोएस्ट पे ना रखें, हम बेरिंग को एक्सट्रीम लो पे ना रखें, उसकी वजह कि 2 माइक्रोन का अगर इंटरफेरेंस आया है तो आम इंसान के सर के बाल का साइज 60 माइक्रोन है, तो 2 तो कुछ भी नहीं, लेकिन 5 माइक्रोन की इंटरफेरेंस विच इज वेरी नॉमिनल वेरी स्मॉल मिनिमम, ये कहां इस्तेमाल होती है? अगर आपकी मोटर हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है, उसमें वाइब्रेशन नहीं है, साइज छोटा है, टेम्परेचर 40 रहता है, और आप ऐसे मॉल में फैक्ट्री लगी हुई है जहां टेम्परेचर जैसे कनाडा में या कोई और जगह पे जहां टेम्परेचर मिनिमम रहता है, गर्मी नहीं है इतनी, और उसके अंदर आरपीएम भी नॉर्मल है और लोड भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा हायर साइड पे जाएंगे या लो साइड पे जाएंगे, लो पे जाने की वजह क्या है कि जैसे मोटर चलेगी तो उसके अंदर हीट से थर्मल एक्सपेंशन होके ये 5 माइक्रोन की जो इंटरफेरेंस है 6, 7, 8 हो जाएगी, तो हमें इंटरफेरेंस कहां चाहिए, चलती मोटर में या रुकी हुई, चलती में पीक परफॉर्मेंस चलती हुई चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए आईएसओ ने ये कंसल्ट करके बेरिंग और सीमेंस और मोटर मैन्युफैक्चरर बेरिंग मैन्युफैक्चरर से ये डिजाइन किया कि आप छोटी मोटर्स में और इस तरह की नॉर्मल स्टैंडर्ड मोटर्स में मिनिमम भी रख लें तो भी ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लगी है, जर लोड है, फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैं 11 माइक्रोन की शाफ्ट बनाता हूं, बेरिंग में 9 माइक्रोन का मिल गया है, वेरी गुड,
तो आपका 19 माइक्रोन का इंटरफेरेंस आ गया, तो आपने क्या किया 22 था ना, तो आप 22 के करीब करीब चले गए। दूसरे केस में आप 5 के करीब करीब रहे, तो ये चीज आपने नहीं करनी, ये ऑलरेडी आपके ओईएम ने पहली दफा जब मशीन दी तो करके भेजा। आपने क्या करना है जब मेंटेनेंस करेंगे तो इसको देन रहना है कि डिजाइनर ने जी सर ये जो रेंज आप बता रहे हैं ना, सम टाइम्स पर जो जैसे मैंने आपसे जर्मन में डिस्कस किया था कि ओईएम इस रेंज से आगे पीछे भी चला जाता है, और वही जो हमारा मित्र आपने आखिर में ये कहा था कि जो ओईएम कह रहा है उसी को ही आप जो आप एक तो एसकेएस में इंटरफेस दी गई है वेटिकल प्रोटोकॉल, अब एक जो तो ओईएम दे रहा है ओईएम की जो इंटरफेरेंस हो देखा तो वो अगर वो एक पार्टिकुलर स्पेशल ब्रांड है तो जैसे वो था हमारा रामेट के मेन हो सकता तो वो फिर उसमें यही चक्कर चला जो ओईएम कहेगा ना वो सुपर सीड कर देगा बाकी हाँ बाकी क्योंकि ओईएम ने वो फीचर कंसीडर किए होते हैं जो अपेरेंटली हमें नजर नहीं आ रहे ऑपरेशनल पैरामीटर्स को सामने रखे। आपने कभी भी ओईएम की बात को इग्नोर नहीं करना, चाहे मैं आपको कह रहा हूं कि एसके अभी आके भी ऐसे बता रहा है चार्ट में ये दिया है, चार्ट ज्यादातर स्टैंडर्ड चार्ट है, बात क्रिटिकल एप्लीकेशन भी ओईएम जो है वो स्पेशलाइज्ड किस्म की कंडीशंस भी लगा देता है जो उसकी ड्राइंग में मेंशन होती है। असल में ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए तफसील के साथ, एक एक सिंबल और साइन का और नंबर का सही मान ही जानना बहुत जरूरी है।